पिछले कई हफ्तों से डॉक्टर जाकिर नायक चर्चा में है। ढाका बेकरी के अटैक में एक उग्रवादी ने कहा कि वो इनकी तकरीरों से प्रेरणा लेते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर नायक। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह पहली बार है कि डॉक्टर जाकिर नायक किसी भी चैनल को इन हादसों के बाद, इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। नायक साहब, आपको इस बात का मुझे लगता है एहसास होगा कि हिंदुस्तान में आपको लेके बड़ा बवाल मच गया है। ढाका बेकरी पे जो अटैक हुआ उसमें एक उग्रवादी ने कहा कि वो आपसे और आपकी तकरीरों से इंस्पिरेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। इस इंटरव्यू पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैं तकरीर करता हूँ अंग्रेजी में और मेरी तालीम पूरी अंग्रेजी में हुई, तो उर्दू और हिंदी पे इतनी महारत नहीं है, तो अगर इसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ तक कि आपने कहा कि एक ढाका के टेररिस्ट में से इंस्पायर हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ मैं। जहाँ तक कि ये एक आर्टिकल आया था, 4 जुलाई को अटैक हुआ था ढाका में, और 3 जुलाई को एक आर्टिकल आया था डेली स्टार के अंदर कि चंद टेररिस्ट आतंकवादियों ने हमला करके 20 से ज़्यादा की हत्या की, उसमें से एक आतंकवादी मेरे से इंस्पायर हुआ, और ये न्यूज़ उठा के इंडियन मीडिया ने हेडलाइन जाकिर नायक एकदम ऑलमोस्ट ऑल 95% चैनल्स के ऊपर वही था हेडलाइन, 95% न्यूज़पेपर पर हेडलाइन वो जाकिर नायक। सडनली फिर चंद दिन बाद ये आर्टिकल आया था 4 जुलाई को, हाँ, और उसके बाद 4 जुलाई को इंडियन मीडिया ने पेश किया, 3 जुलाई को आर्टिकल आया था, 9 जुलाई को यही पेपर ने एक करेक्शन दिया कि हमने कभी भी नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने ढाका के टेररिस्ट को मासूम लोग का कत्ल करने के लिए इंस्पायर किया। हमने सिर्फ ये कहा कि वो फैन था, और ये भी कहा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उसमें शाया की थी कि जाकिर बैंड ने मलेशिया में, वो इन्फॉर्मेशन गलत थे। आप ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मेरे 2000 से ज़्यादा पब्लिक लेक्चर है, मैं 20 साल से ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ अनइक्विवोकली, अनएम्बिगुअसली, साफ अल्फाजों में कि एक भी बेगुनाह का कत्ल करना इस्लाम में हराम है। और कुरान की आयत है सूरह माईदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि अगर कोई भी इंसान एक दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और अगर कोई भी एक बेगुनाह को बचाता है तो वो सारे इंसानियत को बचाता है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मीडिया जो दिखा रही है अक्सर मेजॉरिटी टाइम पे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत से बार हाफ स्टेटमेंट है और कुछ बार डॉक्टर्ड है, डॉक्टर्ड क्लिप यूट्यूब से उठा रहे। तो ये डॉक्टर्ड है जो तकरीर है, क्या ये भी डॉक्टर्ड है कि आपने ये कहा था कि अमेरिका के खिलाफ अगर आप, बिल्कुल सही डॉक्टर्ड है, पहला चीज नंबर 1। ओसामा बिन लादेन की आपने तारीफ की थी, ये भी डॉक्टर? कभी भी तारीफ नहीं किया। एक मुझे बताओ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप दिखा सकते हैं मुझे। यहाँ तो मेरे पास नहीं है। तो आप जब इल्जाम लगा रहे मुझ पे, इंडिया में तो मीडिया में चल रहा है, लेकिन आप जर्नलिस्ट है ना, पूछने के पहले तहकीक करो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह हुजुरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 6, अगर कोई भी एक फासिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। तो ये कहना बिना तहकीक करके इस्लाम में गुनाह है, तो बुनियादी हक है। सवाल पूछने का तरीका अलग होता है, आप जो जोश में, सुसाइड बॉम्बिंग वे इनोसेंट पीपल आर किल्ड इन टेररिस्ट अटैक, मैंने हजार बार कह चुका हूँ इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग में अगर एक भी बेगुनाह इंसान मारा जाता है, ये बड़ा गुनाह है, इस्लाम में दूसरे नंबर पे आता है शिर्क के बाद। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद इस्लाम में है बेगुनाह का कत्ल करना, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो। ये मीडिया क्या कर रही है, आधा सेंटेंस उठा के बोलती है, पूरा सेंटेंस दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे एक भी फेमस मीडिया को, मेरा पूरा लेक्चर दिखाओ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ से ज़्यादा देखने वाले सिर्फ पीस टीवी में, पीस टीवी पे सिर्फ मुशाहिदीन है देखने वाले 20 करोड़, मेरे फेसबुक पे 140 लाख
सिर्फ फैंस है। आप बोलिए अगर मैं इंस्पायर करता हूं तो कम से कम मिलियन टेरिस होना चाहिए, आपको 5 या 10 नाम मिलते हैं। मैं ये कहता हूं कि मेरे तकरीर से लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम की तरफ आने के बाद कई लोग दूसरे के भड़कावे स्पीच में आके इनोसेंट मुसलमान, बेगुना मुसलमान अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग मैं जानता हूं जो भड़कावे स्पीच देते हैं और बेगुना मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि आप गैर मुस्लिम का कत्ल करो आपको जन्नत मिलेगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो उनसे मुतासिर होके मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जितने मेरे फैन हैं 100% मुझे मानते हैं, कुछ 80% मानते हैं, कुछ 60% मानते हैं, कुछ 20% मानते। तो इस्लाम के करीब लेके आने के बाद वो दूसरे लोग के तकरीर से मुतासिर होकर अगर गलत काम करते तो मुझे थोड़ी दोषी गिरा सकते। डॉक्टर साहब, आप पीस टीवी की बात कर रहे थे, आपको पता है हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं पीस टीवी की बात करते हैं और इनकी इनके भड़कावे भाषण से मेरी बात सुन देखो, इनके भड़कावे भाषण से दहशतगर्द जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं जावेद भाई, और आपकी तुलना वो प्रवीण तोगड़िया से करते हैं। एक होता है बहुत लोग कह रहे, एक लोग कहते अक्सर लोग कह रहे। बहुत और अक्सर में जमीन आसमान का, किसके लिए 10 आदमी भी बहुत होते, किसके लिए 20 आदमी भी बहुत होते। अक्सर मतलब मोर देन 50%, 50% से ज्यादा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इंडिया में 50% से ज्यादा नहीं कहते कि जाकिर दहशतगर्द है। ये मैं मानता हूं कि इंडियन मीडिया जो अभी जो ट्रायल करे बेबुनियाद विदाउट एनी। और अगर मेरी मेरी तुलना कर रहे प्रवीण तोगड़, ऐसे काम कीजिए ना, आपकी आज तक पे, आपके इंडिया टुडे पे आप मेरे 1 घंटे का लेक्चर दिखाइए और प्रवीण तोगड़ का 1 घंटे का लेक्चर दिखाइए और खाली वोटिंग लो, हु इज स्प्रेडिंग हेट बताइए। चैलेंज करता हूँ मैं आज तक को, इंडिया टुडे को, बाकी कोई भी चैनल को, क्या भड़कावी स्पीच मैं ही देता हूँ? हाँ, प्रवीण तोगड़ की आपको मैं तो देखा नहीं उसकी स्पीचेस, बाकी लोग जो बोलते दूंगा मैं आपको। आप मेरी कोई भी स्पीच चलाओ, पूरी स्पीच चलाओ 100% विदाउट एडिटिंग और फिर वोटिंग लो, हैशटैग हु इज द टेररिस्ट करो, दम है तो इसको बोलते दम। प्रॉब्लम है क्या, इंडियन मीडिया, कुछ मीडिया है जो अच्छे है, कुछ मीडिया बिल्कुल है, अगर वो मीडिया अच्छी है बहुत से जर्नलिस्ट अच्छे है। आप ये बताइए, आपकी बहुत सी तकरीरें हैं जिससे आप कहते हैं कि आप दोनों कम्युनिटीज और सारी दुनिया में डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ लाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी जो तकरीरें हैं, आपका जो लबो लहजा है, आप दूसरी रिलीजन्स में, दूसरे के मजहब में क्या कमियां हैं ये खामियां दिखा दें, आपको लगता नहीं दूसरों को ठेस पहुंचे? आप मेरा एक भी लेक्चर दिखाओ जिसमें मैं क्या, जिसका लेक्चर का टाइटल है कि दिगर मजहब के अंदर खामियां। मेरे जितने लेक्चर रविशंकर के साथ थे, आप रविशंकर को बहुत बहुत बुरी लगी, आपने, वो आपके मेहमान थे, आपने उनके, वो मेरे मेहमान नहीं थे, मैं ही गया बैंगलोर, बैंगलोर उसका शहर, मैं मुंबई से बैंगलोर जाता हूँ और वो कहते मैं उनका मेहमान हूँ, किधर की उर्दू है किधर की हिंदी है, मैं मुंबई में रहता था 2006 में, मैं गया बैंगलोर तो मैं उसका मेहमान है क्या, वो मेरा मेहमान है। कोई भी मजहब को मैं नीचे नहीं गिराता हूँ। कुरान की आयत सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि आप कोई भी दूसरे मजहब के खुदाओं को गाली मत दो,